आज हम हिंदी विषय में प्रयोजन मूलक हिंदी विविध आयाम इस पुस्तक से तीसरा पाठ हिंदी भाषा के विविध रूप बोली, राजभाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा यह पाठ का पठन करेंगे। पिछले भाग में ही हमने इस पाठ की शुरुआत की थी, उसमें हमने देखा कि हिंदी भाषा के विविध रूपों में बोली भाषा और अपनी रोज की जो हिंदी व्यवहार की भाषा है और जो उद्योग या व्यापार की भाषा है उनमें किस तरह का फर्क है या किस तरह का अंतर यह हमने देखा। भाषा और बोली भाषा इनमें हमने अंतर देखा। उसके बाद हमने बोलियों के भाषा बनने के कारण क्या क्या है वो हमने पढ़ा। आज हम मानक भाषा क्या होता है यह आज हम देखेंगे। मानक शब्द जो होता है वो है कोशगत अर्थ होता है। मानक शब्द का कोशगत अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का वह निश्चित रूप या होता है या माप जिसके अनुसार उस वर्ग की और चीजों की गुण दोष का माप होता है। मानक भाषा को ही आदर्श या परिनिष्ठित तथा टकसाली भाषा कहा जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे मातृभाषा कहा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे आदर्श या परिनिष्ठित भाषा कहा है। इसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। रॉबिन्स के मतानुसार सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लोगों की बोली है मानक भाषा है। भाषा विज्ञान कोश में मानक भाषा की परिभाषा इस प्रकार मिलती है। भाषा विज्ञान कोश में टकसाली भाषा किसी भाषा की उस विभाषा की कहलाती है जो अपने साहित्यिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता अन्य विभाषाओं पर स्थापित करके उस विभाषाओं में बोलने वाले द्वारा उस भाषा के सर्वाधिक उपयुक्त रूप समझती जाती है या समझी जाए। तात्पर्य यह है कि जब कोई विभाषा किन्हीं कारणों से महत्व प्राप्त करे अन्य विभाषाओं के क्षेत्र में भी शिष्टजनों द्वारा पारस्परिक विचार विनिमय का माध्यम बन जाती है तो उसे आदर्श तथा मानक भाषा कहता है कही जाती है जो बड़े लोगों में या बड़े किसी काम में वो भाषा उपयोग में आती है। उदाहरण स्वरूप वर्तमान खड़ी बोली ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी सभी को प्रभावित किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने मानक भाषा को कहते हैं कि उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्राय सभी औपचारिक परिस्थितियों में लेखन में प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यह साध्य उसी का प्रयोग करने का प्रयत्न किया जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने मानक भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि कई विभागों या विभाषाओं में व्यवहारगत होने वाली एक शिष्ट परिगृहित परिभाषा की भाषा होती है वो टकसाली भाषा कहलाती है या विभाषिक की भाषा कहलाती है। डॉक्टर नरेश मिश्र के शब्दों में किसी भाषा का व्याकरण सम्मत वह आदर्श और परिनिष्ठ रूप जो उस भाषा क्षेत्र के लोगों के लिए बोधगम्य हो और जिसका प्रयोग वहाँ के शैक्षिक या सैनिक, साहित्यिक, प्रशासकीय, वैज्ञानिक आदि कार्यों में किया जाए। मानक भाषा के विकास में उसके सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पक्षों के प्रयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मानक भाषा का लिखित रूप होता है व्याकरण सम्मान होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रित तथा व्यवस्थित होता है, जबकि उच्चारित रूप में पर्याप्त शिथिलता होती है। कभी कभी मानक भाषा को अपनी प्रादेशिकता की छाप कुछ कम करने की अन्य विभाषाओं के शब्दों के उदारतापूर्वक स्वीकार करना पड़ता है। इस समझौते की भावना के बिना कोई विभाग या विभाषा टकसाली या मानक भाषा नहीं बन सकती। इस भाषा का स्वरूप व्याकरण के नियमों में बंधा होता है और उसके उच्चारण आदि निश्चित होते हैं। मानक भाषा को देश या राज्य के शासन में प्रयोग करने पर वह राजभाषा का पद प्राप्त कर लेती है।
मानक हिंदी को भारत की राजभाषा का गौरव प्राप्त है। मानक भाषा के साहित्य सृजन अनिवार्य रूप से होता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के सृजन का आधार मानक भाषा है, इसीलिए मानक हिंदी का रूप विकसित होता जाता है। इस भाषा का प्रयोग सुशिक्षित तथा शिष्ट लोगों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषा का भाषाएं। अगली भाषा है संपर्क भाषा। संपर्क यानी दो लोगों के बीच का संवाद या संपर्क। संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयुक्त भाषा को संपर्क भाषा की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में संपर्क भाषा किसी क्षेत्र, राष्ट्र या वर्ग में परस्पर वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम के रूप में कार्य करती है। संपर्क भाषा की संकल्पना वास्तव में देश की बहुभाषी स्थिति अथवा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनेकविध भाषाओं के कारण उपस्थित होकर सामने आती है। डॉक्टर दंगले झाल्टे की संपर्क भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा होता है कि अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति, राज्य राज्य, राज्य केंद्र तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसको संपर्क भाषा या कॉन्टैक्ट ऑफ द इंटर लैंग्वेज की संज्ञा दी जा सकती है। अरविंद कुलश्रेष्ठ के अनुसार संपर्क भाषा का अर्थ होता है परस्पर संपर्क के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा अथवा भाषाई रूप। संपर्क भाषा वह भाषा है जिसमें विभिन्न भाषा भाषी परस्पर संपर्क करते हैं, इसी कारण इसे संपर्क भाषा कहते हैं। अब ये संपर्क भाषा जो है एक व्यापक संकल्पना है जो व्यक्ति और राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय रूप में द्विपक्षीय भाषिक संबंधों में माध्यम से या मध्य भावात्मक एवं व्यावहारिक कड़ी पर महत्तम कार्य करती है। किसी बहुभाषी देश की प्रमुख भाषा, राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा, राज्य समुदाय तथा जन सामान्य की सुविधानुसार संपर्क भाषा का रूप धारण कर प्रस्थापित हो जाती है। तात्पर्य यह है कि किसी बहुभाषी राष्ट्र में जो भाषा अधिक से अधिक लोग समझ सकते हैं तथा अपनी सहज भाषा प्रयोग प्रकृति के फलस्वरूप पूरे राष्ट्र में व्यवहारिक रूप से संपर्क में स्थापित करने वाली कार्यरत होती है, वह भाषा संपर्क भाषा का स्थान ले सकती है। संपर्क भाषा की मुख्य विशेषता उसकी बोलचाल की प्रयुक्ति एवं सरलता होती है, अर्थात वह अत्यंत सरल होती है। इसके परिभाषिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दवाणी का प्रयोग अपेक्षाकृत कम रहता है। संपर्क भाषा कानूनी बाध्यताओं से परे स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत होकर पनपती है। परिणामता सामाजिकता तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान से वृद्धि होती है। संपर्क भाषा के लिए सामाजिक स्वीकृति होना भी महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन काल में हमारे देश में संस्कृति या संस्कृत भाषा संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। संस्कृत भाषा कुलीन वर्ग तथा सीमित रही, फलतः पाली जनभाषा बनी। आगे चलकर प्राकृत, अपभ्रंश तथा पश्चिमी हिंदी राष्ट्र की संपर्क भाषा के रूप में विकसित हुई। भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को निर्विवाद रूप से अपनाया गया है। हिंदी अपने उद्भव काल से ही विरोध का सामना करते आ रही है। फारसी तथा अंग्रेजी राष्ट्र राजभाषा के समय में भी हिंदी की प्रगति होती रही। मुगल काल में फारसी राजभाषा रही, परंतु संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही आगे बढ़ती रही। मध्यकालीन भारत के विभिन्न प्रांतों में धार्मिक चेतना का विकास हो रहा था। भक्तिकालीन सांस्कृतिक आंदोलन के सूत्रधार विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले थे। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा सुदूर दक्षिण में यह भक्ति आंदोलन विकसित हुए।
इसके सूत्रधार हिंदू और मुसलमान दोनों थे। सब ने जिस संस्कृति पुनर्जागरण का प्रयास किया उसमें संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रयोग किया गया। अंग्रेजी राजभाषा में अंग्रेजी भाषा की राजभाषा रही, परंतु लोगों का विशेष आकर्षण हिंदी के प्रति रहा। हिंदी अपनी सहज स्वाभाविक गति से आगे बढ़ती रही। ब्रिटिश काल में भी हिंदी विकसित होती रही और हिंदी भाषा या भाषी महापुरुषों ने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को महत्व दिया है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी तो हिंदी के प्रश्नों को स्वराज्य से बढ़कर मानते थे। उन्होंने सन 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कि जो मंच होता है उस पर हिंदी में भाषण दिया और कुछ लोगों द्वारा उसका विरोध भी हुआ। फिर भी उन्होंने संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व प्रतिपादित किया है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में भले ही अनेक बाधाएं उठती है आगे बढ़ती रही हो, किंतु संपर्क भाषा के रूप में वह निरंतर आगे बढ़ती रही है। विगत लगभग 1000 वर्षों से हिंदी संपर्क भाषा के रूप में देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। संविधान ने उसे राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस रूप में हिंदी का प्रयोग शिक्षा, धर्म, प्रशासन, उद्योग में अक्षरशः संपर्क सफल है। उपभाषाओं तथा बोलियों का संपर्क भाषा हिंदी से अविच्छिन्न संबंध है। संपर्क भाषा हिंदी के साथ हिंदी तर प्रांतों के अनेक विद्वान सेवारत हुए। आज द्रविड़, आर्य, अनार्य सभ्यता, संस्कृति, जीवन, मूल्य के विनायक का माध्यम होती है। इससे अनुवाद की क्षमता विज्ञामान है। अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता संपर्क भाषा और हिंदी में निसंदेह पाई जाती है। तो हमें इतना ही समझता है, जो बोली भाषा है अगर उसको व्यवहार में लाया जाए, संपर्क में, व्यापार में लाया जाए, तो वो भाषा एक राजभाषा बन सकती है, एक बोलने का या संपर्क का माध्यम हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है और विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने इसे परस्पर व्यवहार एवं राजनीय स्तर पर संपर्क की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो इस तरह से भाषा, बोली भाषा, संपर्क भाषा, आज हमने यह जो भाषा के भाग है यह हमने आज पढ़े और समझे हैं। इसके आगे का जो भाग है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, यह हम अगले भाग में पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।